आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। जननायक कर्पूरी ठाकुर को लेकर यह बड़ी खबर है, जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेख लिखा है। पीएम का लेख सामने आया है। आपको बता दें कि कल ही भारत रत्न देने का ऐलान किया गया था और आज प्रधानमंत्री ने लेख लिखा है। आज कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती भी है। कर्पूरी जी से प्रेरणा लेकर हम काम कर रहे हैं, अपने लेख में प्रधानमंत्री ने ये जिक्र किया है। तो कर्पूरी ठाकुर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख, वो आपको बताएंगे। कर्पूरी ठाकुर महान जननायक थे, अपने लेख में तमाम बातों का जिक्र किया है, प्रेरणा स्रोत हो रहे हैं और उनसे प्रेरणा लेकर हम काम कर रहे हैं, ये अपने लेख में प्रधानमंत्री की तरफ से इसका जिक्र किया गया है। आज 100वीं जयंती है कर्पूरी ठाकुर की। भारत रत्न देने का ऐलान भी किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके लिए ये लेख लिखा है, जिसमें तमाम बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया है। उनका कहना है कि प्रेरणा का स्रोत है कर्पूरी ठाकुर और उनसे ही प्रेरणा लेकर हम काम कर रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जननायक कर्पूरी ठाकुर प्रेरणा का स्रोत हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है। और कर्पूरी जी से मिलने का अवसर नहीं मिला, लेकिन उनसे प्रेरणा लेकर हम काम कर रहे हैं। उनकी 100वीं जयंती का जिक्र भी प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर को की 100वीं जयंती है और कल ही केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान भी किया गया है, जिसके बाद आज प्रधानमंत्री की तरफ से ये लेख लिखा गया है उनकी 100वीं जयंती पर, जिसमें तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है कि भले ही उनसे मिलने का अवसर तो नहीं मिला है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने काम किया पूरे देश के लिए, वो काफी प्रेरणा का स्रोत रहा है और उनसे ही प्रेरणा लेकर, उनके कामकाज से प्रेरणा लेकर आज हम लोग काम कर रहे हैं। तो कर्पूरी जी से मिलने का अवसर नहीं मिल पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लेख में लिखते हैं कि उन्होंने कई लोगों का जीवन बदला है और उन्हीं से प्रेरणा लेकर हम काम कर रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिनको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिखते हैं, उनका जिक्र करते हैं, प्रेरणा स्रोत उनको बताते हैं। और इसी के साथ आपको बताएं कि कल ही भारत रत्न देने का ऐलान भी किया गया था। हमारे साथ इस वक्त प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रकाश, कर्पूरी ठाकुर जिस तरीके से अब चर्चा में आ रहे हैं, बेशक वो भारत रत्न देने की बात हो या फिर आज ये लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, राजनीतिक मायने इसके क्या समझे जाएं? प्रकाश देखिए, सबसे पहले तो उन्हें सर्वोच्च सम्मान देने की घोषणा और उसके बाद उनका लेख जो आया हुआ है वो बिल्कुल इमोशनल लेख है कि उनके कैसे प्रयास थे, कैसा व्यक्तित्व था, कितनी सादगी भरी जिंदगी जीते थे, इन सब के जरिए वो ये बता ही रहे थे और साथ ही अपने खुद के भी बारे में वो बता रहे हैं कि कैसे उसी समाज से वो आते हैं जिस समाज से कर्पूरी ठाकुर आते थे, यानी अति पिछड़ी जाति में उनकी भी जाति शुमार है। और इस तरह से कर्पूरी ठाकुर के प्रति जो वो श्रद्धा दे रहे हैं, ये एक संदेश है बिहार में या पूरे देश में, बिहार खास तौर पे, क्योंकि बिहार के रहने वाले थे कर्पूरी ठाकुर। अब उन्हें देश भर में अति पिछड़ी जाति के होने के नाते उन्हें बताया गया कि कैसे ये सम्मान उनको दिया गया और ऐसे व्यक्तित्व को दिया गया जो इसके काबिल थे। तो ये जो पूरा लेख है ये उनके बारे में तो है ही, साथ ही वो खुद को भी अपने को कर्पूरी ठाकुर से जोड़ रहे हैं। तो ऐसे में कर्पूरी ठाकुर को भुनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। हर पार्टी हर साल जरूर उसके जन्मदिन पर ये समारोह मनाया जाता है उनके जन्मदिन पर, लेकिन आज खास है क्योंकि नीतीश कुमार भी यहाँ पर पटना में रैली कर रहे हैं और उस रैली में आपने देखा कि एक ट्वीट जो है नीतीश कुमार की तरफ से आया था जिसमें संशोधित किया गया, पहले धन्यवाद प्रधानमंत्री को नहीं दिया गया था लेकिन फिर से संशोधित करके ट्वीट किया गया तो उसमें धन्यवाद दिया गया। तो जाहिर है कि ये सारा मामला जो है धीरे धीरे 2024 के लोकसभा के मद्देनजर ही रखा गया है और आने वाले समय में इस मामले को और भी बेहतर तरीके से, ताकि बिहार की जो 40 सीटें हैं उस पर इस वोट बैंक पर उनका अपना प्रभाव पड़ता। बिल्कुल प्रकाश, और आज कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती है जिसे अलग अलग रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।